सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभिमन्यु IAS। सो टारगेट IAS 2021 में आप सभी का स्वागत है। सो हम लोग इन सेशंस के अंदर करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, और अगर बात करें करंट अफेयर्स की, जो हमारे लिए प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से 2021 के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और वो अपना बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। अगर बात करें तो इन सेशंस के अंदर हम लोग मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स को कवर अप कर रहे हैं, यानी कि मोर देन वन ईयर के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करेंगे इन 70 डेज। याद रखिए स्टूडेंट, 70 डेज ये कॉन्टिन्यूटी में प्रोग्राम चलेगा आपका, और कॉन्टिन्यूटी में हम लोग सेशंस को कवर अप कर रहे हैं, और 70 डेज के अंदर हम लोग मोर देन वन ईयर को करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे, यानी कि बिफोर द प्रीलिम्स ऑफ 2021 हमारा ये सेशन बहुत ही बढ़िया ढंग से कवर अप कर लिया जाएगा। हम लोग इन सेशंस के अंदर हर एक न्यूज़ को वेल डिटेल्ड और एक्सप्लेन मैनर से कवर अप कर रहे हैं, और मैं उन न्यू लर्नर्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि हम लोग इन सेशंस के अंदर ना हर एक न्यूज़ को एक्सप्लेन मैनर से कवर अप कर रहे हैं, प्लस कुछ भी डाटा ऐड ऑन करने की जरूरत होती है तो हम पैरेलली उसको भी कवर अप कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? और अगर बात की जाए पीडीएफ के लिए, तो स्टूडेंट्स हर एक सेशन के लिए पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए गए लिंक में जाकर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है, और अभी तक के हमने 34 लेक्चर्स को देख लिया है, जिसके अंतर्गत हमने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को कवर अप किया है, और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा 35th लेक्चर, वो है सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे। अभी तक का हमने 31st, 32nd, 33rd एंड 34th लेक्चर सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के ऊपर लगा चुके हैं, और आज का हमारा 35th लेक्चर भी सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स के बेसिस पे ही रहने वाला है। तो बस आप लोग मेरे साथ बने रहें, मैं आपको करंट अफेयर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, और ये यकीन दिलाता हूं सभी से कि ये 70 लेक्चर्स देखने के बाद स्टूडेंट्स, आप लोग जिसको भी करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो आगे इन फ्यूचर में नहीं आ पाएगी। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सितंबर 2020 करंट अफेयर्स। और अगर मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूं तो माई सेल्फ कनम अग्रवाल, आई एम द करंट अफेयर्स मेंटर इन द अभिमन्यु IAS। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज का अपना सबसे पहला करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली करंट अफेयर की न्यूज रहेगी फाइटोप्लैंक्टन बायोमास इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS पेपर 3 के लिए। क्लियर है? शुरू करते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी है कि ये न्यूज़ क्या बोलती है, कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्लोजली ट्रैक्ड कर रहे हैं द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ क्लोरोफिल 2। कंसेप्ट देखिए, साइंटिस्ट ने ट्रैक किया लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्लोरोफिल 2 ए। याद रखें क्लोरोफिल 2 ए की बात की गई है, क्योंकि ना क्लोरोफिल जो रहता है वो टाइप ए और टाइप बी का रहता है। याद रखें क्लोरोफिल 2 टाइप ए और टाइप बी रहता है। सो इसी के अंतर्गत साइंटिस्ट ने ट्रैक किया क्लोरोफिल टाइप 2 ए के लिए इन द नॉर्थ वेस्टर्न बे ऑफ बंगाल। क्लियर? एंड कहते इट वाज बेस्ड ऑन द इनसीटु एंड द सैटेलाइट डाटा स्पेनिंग ओवर द लास्ट 16 इयर्स फ्रॉम जनवरी 2003 से लेकर दिसंबर 2018 तक। क्लियर है? और यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो साइंटिस्ट ने इतना डाटा को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट डाटा आल्सो, और वो 16 साल का डाटा था फ्रॉम जनवरी 2003 से लेकर दिसंबर 2018 तक, यहाँ पे एक और मदद ली गई थी बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। मैं रिपीट करना चाहूँगा, इंडियन, यहाँ पे मैं आपको डाटा ऐड ऑन करवा ही देता हूँ, आप लोग मेरे साथ पैरेलली लिख भी लीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट्स, कि किसकी हेल्प ली गई थी साइंटिस्ट के द्वारा, तो वो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। क्लियर?
क्लियरिक सर्विसेज। सो है क्या चीज, आप लोग यहां पे नोट डाउन कीजिए थोड़ा सा पॉइंट। तो यहां पे बोला गया कि इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और किसके मंत्रालय के अंडर, द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मैं आपसे एक चीज फिर से दोहराना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि अभी हम लोग जो न्यूज पढ़ रहे हैं ना कि फाइटोप्लैंक्टन्स बायोमास इन द बे ऑफ बंगाल, तो माय डियर स्टूडेंट्स जो साइंटिस्ट ने इतना लॉन्ग टर्म का डाटा स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, और उसी के अंतर्गत हम लोग इसी का थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन को देख रहे हैं कि ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, और इवन लिखा गया कि इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद एंड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। क्लियर है, लिखा गया कि इट इज अ यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है, इट इज अ यूनिट ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग बोल देते हो शॉर्ट फॉर्म में ESSO, न्यू दिल्ली में आपको ये मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ सकते हैं। आप लोगों को एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगा वो नए लर्नर्स के लिए कि अगर कोई भी डाउट रहता है ना तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बताएं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपके डाउट्स को सॉल्व आउट करूंगा। क्लियर है, तो यहां पे लिखा गया कि जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कंसेप्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा गया कि जो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा इवन मोडीज, ये क्या चीज है आपके लिए, ये है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। क्लियर, और यहां पे लिखा नासा विर्स मतलब विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट सेंसर्स एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन OCM2 ओशियन कलर्स मॉनिटर्स 2 वर यूज फॉर द सेटेलाइट डाटा। ये मैं आपके लिए ना प्रिलिम परस्पेक्टिव से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगाता हूं, क्योंकि इतना ऑर्गेनाइजेशंस की मदद ली गई थी कि सैटेलाइट डाटा को मेजर करने के लिए, सैटेलाइट डाटा को एनालिसिस करने के लिए। क्लियर है, और इनमें से नासा था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था, और नासा का विर्स था जो है विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट, और एक था मोडीज, वो क्या है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर। और स्टूडेंट्स यहां पे अगर देखा जाए तो व्हाट डू यू मीन मोडीज, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा फिर से डाटा एड ऑन कीजिए। तो यहां पे लिखा गया मोडीज के बारे में कंसेप्ट देखिएगा आप लोग, कहते इज अ की इंस्ट्रूमेंट्स ऑन नासा सेटेलाइट, डिजाइन टू मॉनिटर द अर्थ एटमोसफेयर। अगर मैं यहीं भी आपको बताऊं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ऑन नासा सैटेलाइट जो बनाया गया, डिजाइन किया गया कि धरती के एटमॉस्फेयर को मॉनिटर कर सके, इवन ओशियंस को एंड लैंड सर्फेसेस। क्लियर है, और यहां पे लिखा गया कि डाटा प्रोवाइड्स बाय इट एसेट्स पॉलिसी मेकर्स इन मेकिंग
साउंड सीजन्स कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। तो स्टूडेंट्स ये एक मैं फिर से वही बात दोहराता हूं आप लोगों के लिए कि ये हम लोग बेसिक डेफिनेशन को देख रहे हैं कि ये एक ऐसा की इंस्ट्रूमेंट है जो नासा सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है ताकि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर ओशन लैंड सरफेस को मॉनिटर कर सके। अरे क्यों? ताकि हम लोग अपने जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर? आगे चलें, आगे देखते हैं कंसेप्ट अभी। तो यहां पे आगे क्या लिखा गया कि जो इंक्रीज न्यूट्रिएंट्स एंड द मोर फाइटोप्लैंक्टन्स, तो इसके आधार पे क्या है, कहते इट रिवील्स है। तो ये क्या दर्शाता है कि स्टडी आर एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम स्पेटल वेरिएबिलिटी ड्यूरिंग द प्री साउथ वेस्ट मॉनसून। अरे प्री साउथ वेस्ट मॉनसून से पहले पहले जो स्टडी की गई है विद सैलिनिटी, जो पानी के अंदर खारापन था उसकी बात की गई, उसका न्यूट्रिएंट लेवल को बात किया गया, द मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर्स फॉर द अबंडेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलते हैं। यहां पे तो यहां पे लिखा गया कि जो चांस है, चांसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन कंसेप्ट है कि इंडिया इन न्यूट्रिएंट्स कुड टेल एन ओवरऑल इंप्रूव्ड हेल्थ स्टेटस ऑफ द इकोसिस्टम, कि भारत ने क्या देख लिया, ओवरऑल हेल्थ सिस्टम देख लिया, इकोसिस्टम एज अ होल। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन्स कुड बी डेट्रीमेंटल टू द ओशन हेल्थ बिकॉज ऑफ द यूट्रोफिकेशन। क्लियर? आगे आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूट्रोफिकेशन, देखते हैं। यहां पे यहां पे बोला गया कि व्हेन अ वॉटर बॉडी बिकम्स ओवरली एनरिच, कंसेप्ट है जब कोई भी पानी वाली ऑर्गेनिज्म लगा लो, लाइक हमने यहां पे लिख दिया कि वॉटर बॉडी जब वो ओवर रिच जो हो जाएगी विद मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स, कंसेप्ट पे फोकस करना, जब भी कोई पानी वाली बॉडी ओवर एनरिच होगी यानी कि जिसके अंदर मिनरल और न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया, विद इंड्यूस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी और एल्गल ब्लूम। क्लियर है? उसको क्या बोल दिया गया, यूट्रोफिकेशन। मैं प्रिलिम परस्पेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगाना चाहूँगा, हालांकि चांसेस कम है बट आपको एक डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे लिखा कि ये जो प्रोसेस है ऑल्सो रिजल्ट्स इन ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ द वॉटर, सॉरी वॉटर बॉडी, अफेक्टिंग द अदर एक्वेटिक एनिमल्स। अरे यूट्रोफिकेशन प्रोसेस के कारण ना जो समुंदर है या फिर जो आप लगा लो पानी है उसका ऑक्सीजन लेवल डिप्लीट हो जाता है, जिसके कारण ये इफेक्ट्स पड़ेंगे अदर एक्वेटिक एनिमल्स को भी। तो लिखा कि दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द मेराइन एनवायरमेंटल पैरामीटर्स, तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है मेराइन समुद्र के एनवायरमेंट को पैरामीटर्स को लेकर, इज नाउ बिकमिंग इंक्रीजिकली इंपॉर्टेंट एज दे सर्व एज अ बेसिस फॉर मॉनिटरिंग द क्लाइमेट चेंज। इंपॉर्टेंट है? अरे इसी तरीके का डाटा तो हमें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहती है, और ये आधार रखा गया कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, रिवर डिस्चार्जेस को लेकर, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन द ओशंस को लेकर, ये डाटा आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स मेंस पर्सपेक्टिव से। क्लियर? क्योंकि यहां पे बात की गई है किसकी, अरे यहां पे स्टूडेंट्स बात की गई है ऑक्सीजन डिप्लीशन की इन द वॉटर की। कंसेप्ट पे यहां पे आपको फोकस रखना है, जो चीज यहां पे दिखाई गई है ऑक्सीजन डिप्लीशन ऑफ द वॉटर बॉडी अफेक्टिंग द अदर एक्वेटिक एनिमल्स। अरे इसी तरह का इंफॉर्मेशन जो मॉनिटर करेगा, जो आधार रखा गया क्लाइमेट चेंज को लेकर, रिवर डिस्चार्जेस को लेकर, इवन इंपैक्ट किस पे पड़ा, पॉल्यूशन इन द ओशंस को लेकर, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरोफिल 2, अब इसको भी देखते हैं। यहां पे क्या बोला गया कि जो आपका क्लोरोफिल है, कंसेप्ट देखिए कि क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट। क्लियर है? आपका जो क्लोरोफिल है वो मेजर पिगमेंट है, यूज बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है। अरे इसी के आधार पे तो जो फोटोसिंथेसिस होती है पौधों के अंदर, द प्रोसेस बाय विच
लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी थ्रू द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ये एक बेसिक डेफिनेशन था क्लोरोफिल 2 का, क्लियर. हालांकि देखा जाए यहां पे लिखा कि द वर्ड क्लोरोफिल 2 कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है क्लोरोस विच मीन्स ग्रीन एंड फाइलन विच मीन्स लीफ, क्लियर. अभी हमने मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल 2 टू टाइप्स का ए एंड बी. यहां पे लिखा क्लोरोफिल 4 टाइप्स के रहते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल 1, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी. अब कंसेप्ट है इन सभी क्लोरोफिल्स का अपना अपना एक करेक्टरिस्टिक है. वो क्या चीजें देखें आप लोग कि जो क्लोरोफिल ए है वो फाउंड वो कहां पे मिलेगा, इन हायर प्लांट्स, एल्गे एंड साइनोबैक्टीरिया, क्लियर. ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. हालांकि मैं तो ये सारे का सारा आपको 4 के 4 पॉइंट्स बोलता हूं इंपॉर्टेंट है प्रिलिम पर्सपेक्टिव से. स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग नोट डाउन करके रखें, कभी कभी यूपीएससी मैच द कॉलम्स में इस तरीके क्वेश्चन डाल देता है, क्लियर. तो क्लोरोफिल ए था हायर प्लांट्स में मिलेगा, एल्गे में मिल जाएगा और साइनोबैक्टीरिया में मिल जाएगा. और अगर मैं बात करूं क्लोरोफिल टाइप बी की, वो आपको सिमिलरली हायर प्लांट्स में भी मिलता है और ग्रीन एल्गे में मिल जाएगा, क्लियर. और अगर बात की जाए क्लोरोफिल टाइप 2 सी के अंदर, वो आपको कहां मिलता है, डायएटम्स में, और कहां मिल जाएगा, डायनो फ्लैगलेट्स में एंड ब्राउन एल्गी में मिल जाएगा. अब कंसेप्ट है यहां पे आप लोग थोड़ा सा फोकस कर लो. आपको क्लोरोफिल बी कहां मिला, ग्रीन एल्गी में. क्लोरोफिल सी कहां देखने को मिला, ब्राउन एल्गी में. क्लोरोफिल डी कहां पे देखने को मिलेगा, रेड एल्गी में, क्लियर. तो ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है आप लोगों के लिए, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक. अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आप लोग. बढ़े आगे, ओके. तो आज की हमारी नेक्स्ट न्यूज रहेगी इंडिया और डेनमार्क को लेकर एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, और इससे ना हमें इंटरनेशनल रिलेशंस भी पता लगते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जीएस पेपर 2 के लिए. शुरू कर सकता हूं, ओके. तो यहां पे क्या लिखा कि एक वर्चुअल समिट हुई है बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डेनमार्क, क्लियर. और ये दोनों देश एग्री हुए हैं टू एलिवेट, अरे बढ़ाना है, हाइट पे लेकर जाना है इंडिया डेनमार्क रिलेशंस को टू अ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, क्लियर है. अब शुरू करते हैं यहां से कि जो इंडिया एंड डेनमार्क है विल कॉपरेट थ्रू द रिलेटिव मिनिस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस एंड द स्टेक होल्डर्स. कंसेप्ट है कि जो भारत है और डेनमार्क है वो दोनों कॉपरेट करेंगे रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, दोनों देशों के रेलिवेंट मंत्रालयों के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और स्टेक होल्डर्स के द्वारा, क्लियर है. अब शुरू करता हूं, यहां पे लिखा कि भारत ने लॉन्च किया कि इंडिया हैज लॉन्च्ड ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. भारत ने ही लॉन्च किया है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट टाइम विद डेनमार्क. इंपॉर्टेंट है, क्लियर है. एज इट पार्टनर टू बी एट, अरे कंसेप्ट है जो पार्टनर टू बी एट फोर फ्रंट ऑफ द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज, क्लियर. फिर से वही पेरिस क्लाइमेट के आधार को रखते हुए भारत ने लॉन्च कर दिया ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किसके साथ, पहली बार डेनमार्क के साथ, क्लियर है. यहां पे क्या लिखा गया कि इट एनविसेज्ड कॉपरेशन विद द पॉलिटिकल फील्ड. कंसेप्ट है कि कॉपरेट किया जाएगा पॉलिटिकल फील्ड के द्वारा, इकोनॉमिक के द्वारा, कमर्शियल फील्ड्स, एजुकेशन एंड कल्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, फूड प्रोसेसिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन, शिपिंग, लेबर मोबिलिटी एंड डिजिटाइजेशन. तो ये तो कोर सेक्टर्स रखे गए जिसके अंदर भारत ने लॉन्च किया ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क. और कोर सेक्टर्स कौन से हैं वो आपके सामने यहां पर पड़े हैं. और अगर यहां पे भी आप लोग देख लें भारत का सबसे ज्यादा रोल प्ले कहां कहां पे रहेगा, एक तो एजुकेशन को लेकर,
और कल्चर को लेकर, इकोनॉमिक को लेकर भारत बहुत कंसर्न रखेगा, इवन एनवायरनमेंट को लेकर, देन आफ्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर, क्योंकि आजकल हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे कई तरह के करंट अफेयर्स को देख चुके हैं और आने वाले फ्यूचर में भी देखेंगे, क्लियर है ना। इवन यहाँ पे और लिखा गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है। तो ये तो कोर सेक्टर्स आ रहे हैं आप लोगों के। इवन यहाँ पे शिपिंग एंड द लेबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्लियर। और डिजिटाइजेशन जो भारत अब होने जा रहा है, फिर से ई गवर्नेंस को लेकर हमने कई न्यूज़ देखी आज तक, क्लियर है ना। पढ़ें आगे, तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत है क्या चीज, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहां पे। तो लिखा इट इज अ म्यूचुअली बेनिफिशियल एग्रीमेंट है, ये दोनों देशों की तरफ से एक एग्रीमेंट बनाया गया बेनिफिट्स के लिए। क्यों? टू एडवांस पॉलिटिकल कोऑपरेशंस, एक्सपैंड इकोनॉमिक रिलेशंस, दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस बढ़िया हो जाएंगे, इकोनॉमिकली दोनों देशों के बीच में जो संबंध है बढ़िया हो सकते हैं। ग्रीन ग्रोथ, अरे ग्रीन ग्रोथ को लेकर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जा रही है यहाँ पे, जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं, एंड स्ट्रेंथन द कोऑपरेशन ऑन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंज, क्लाइमेट चेंज की बात की जा रही है, एंड द अपॉर्चुनिटीज विद अ फोकस ऑन एम्बिशियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट एंड द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हमें ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया डेनमार्क को लेकर वही कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो ये न्यूज़ को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ फोकस रखें यहाँ पे कि क्यों शुरू किया गया, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका क्या एम रहेगा। तो वो है जॉब्स क्रिएट करना, ग्रीन ग्रोथ, इकोनॉमिक रिलेशंस लेकर आना है, पेरिस एग्रीमेंट को लेकर है, और इवन जो यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको भी अचीव करना, क्लियर। बढ़ते हैं आगे। तो अगर बात की जाए एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो क्या लिखा कि द स्ट्रेटेजिक सेक्टर कोऑपरेशन ऑन ऑफशोर विंड एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कंसेप्ट देखिए रिन्यूएबल एनर्जी में, इंडिया डेनमार्क एनर्जी पार्टनरशिप INDEP ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑन द विंड एनर्जी। अरे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने एक दूसरों के बीच में, इंडिया और डेनमार्क के बीच में, कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सा डाटा को लेकर, वो है विंड एनर्जी को लेकर। एनर्जी मॉडलिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब धीरे धीरे करके हमें बढ़ाना है ना, इंटीग्रेट करना है हर एक रिन्यूएबल एनर्जी को, जो आप बोलते हो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। आर some of the commitments to address the common global challenge on the path towards global energy transition, green growth and sustainable development. Clear है students यहां तक? आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कि environment, water and circular economy के तहत क्या चीज है, तो देखें आप लोग यहां पे क्या बोला गया आपका, लिखा कि जो बोथ द कंट्रीज, दोनों देश एग्री टू वर्क टुगेदर फर्दर एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोल दिया गया है कि दोनों देश मिलकर काम करेंगे, अपना स्ट्रेंथ करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करनी है रिलेशंस के लेकर, ताकि दोनों देशों की सरकारें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉपरेशन होगा किसके ऊपर, अरे वो रहेगा एनवायरनमेंट को लेकर, यानी कि आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो ना कि क्लाइमेट चेंज को लेकर, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोग ये डायरेक्टली बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन होती है उसको रिडक्शन कैसे करना है, उस चीज को लेकर हमने स्ट्रेंथनिंग करना है भारत और डेनमार्क के बीच में, बिल्कुल ठीक है। वाटर क्राइसिस को लेकर किस तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए कि आने वाले फ्यूचर में दोनों देश वाटर क्राइसिस को जो फेस कर रहे हैं वो ना कर पाए, क्लियर है। एंड इकोनॉमी को लेकर कोई डाउट तो नहीं है, ये एक बेसिक क्रक्स है इस न्यूज का, इस टॉपिक का, कि एनवायरमेंट, वाटर एंड सर्कुलर इकोनॉमी को लेकर क्या स्ट्रेंथनिंग, क्या एक्सपेंड किया जाएगा दोनों देशों के बीच में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा कि जो कंट्रीज हैं वो फर्दर एग्री हो चुकी हैं टू कॉपरेट इन द वाटर एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट
एंड नॉन रिन्यू वाटर, यानी कि वाटर लॉस जो होता है, एंड टास्क्ड द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. अरे कंसेप्ट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत हमने न्यूज पढ़ी थी स्टूडेंट्स, जल मिशन को लेकर. कुछ याद आया आपको जो हमने देखा था कि मनरेगा के तहत हर घर में अपना जो रहता है कि कंज्यूमेबल वाटर टैप लगानी है, तो वो था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत. मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत हमारा एक मिशन था, जल मिशन. क्लियर, देखते हैं यहां पे. एंड डैनिश एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एंड द डैनिश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फूड टू डेवलप द वर्क प्लान फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years 2021 से 23. अरे हमने तो ये न्यूज के स्टार्टिंग में ये चीज पढ़ ली थी, कोऑपरेशन होगी दोनों देशों के मंत्रालयों के बीच में. तो यहां पे लिखा, मैं पहले क्लियर कर देता हूं फिर इजी रहेगा. अब यहां पे हमने क्या चीज पढ़ी है कि इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आ गई है एंड द डैनिश एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी. क्लियर है, भारत की तरफ से मंत्रालय आ गया, डेनमार्क की तरफ से आ रहे डैनिश एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी इवन एंड द डैनिश मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड द फूड. अरे क्यों ये दोनों मंत्रालय भारत का और डेनमार्क का क्यों आगे आए हैं, क्योंकि डेवलप करना है वर्क प्लान को लेकर फॉर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 3 years, वो है 2021 से 23. इंपॉर्टेंट रहेगा मेंस परस्पेक्टिव से स्टूडेंट्स. क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है आपको, आगे बढ़े. नेक्स्ट है यहां पे रहता है कि दोनों तरफ से बोथ साइड्स एग्री टू स्ट्रेंथ द एग्जिस्टिंग सिटी टू सिटी कोऑपरेशन. अब सिटी से सिटी कोऑपरेशन भी हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे कि राजस्थान का एक शहर उदयपुर एंड आरहुस डेनमार्क का एंड द टुमाकुरु एंड द आलबोग, ये सिटी टू सिटी कोऑपरेशन हो रहे. क्लियर, इवन लिखा कि बोथ साइड्स वेलकम द आइडिया. अब दोनों तरफ से एक आइडिया को वेलकम किया गया है ताकि बनाया जा सके पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट्स इंस्टीट्यूशंस एंड द बिजनेस ऑफ द टू कंट्रीज विद द स्पेशल फोकस. अरे किसके ऊपर और किसको लेकर हमने फोकस करना है कि दोनों देशों के बीच में पार्टनरशिप हो रही है, आइडियाज ले रहे हैं, वो है स्पेशल फोकस ऑन द ग्रीन एंड द क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज. क्लियर, इवन यहां पे लिखा कि दो बोथ लीडर्स appreciated the deep cooperation on the maritime affairs and noted the potential for enhancing cooperation in the ship building and the designs, maritime services, green shipping as well as the port development. Port development important role play करता है trade को लेकर, याद रखें. Clear, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लिखा गया है कि भारत और डेनमार्क, इंडिया एंड डेनमार्क रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग एंड फैसिलिटेटिंग इन्वेस्टमेंट इन द साइंस. अब दोनों देशों ने प्रमोट करना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट इन साइंस को लेकर, मतलब साइंस के अंतर्गत इन्होंने निवेश करना शुरू कर दिया भारत और डेनमार्क ने, टेक्नोलॉजी को लेकर एंड इनोवेशन को लेकर via strong public private partnership, मतलब ट्रिपल पी के अंतर्गत, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत एज एन इंपॉर्टेंट वे. और यही एक सबसे महत्वपूर्ण रास्ता रहेगा, क्यों, टू एक्सेलरेट द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू सॉल्यूशंस, इंपॉर्टेंट रहेगा. क्लियर है, आगे बढ़े. लिखा कि दोनों प्रधानमंत्री, द टू प्राइम मिनिस्टर्स एक्नॉलेज्ड दैट द रिचनेस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिया एंड द डेनमार्क इज अ रिजल्ट ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल कंसेप्ट है दोनों तरफ से, लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट. क्लियर, एंड एग्रीड टू फर्दर प्रमोट ग्रेटर अवेयरनेस एंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ द टू कंट्रीज थ्रू द कल्चरल कोऑपरेशन. अरे कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर बात की गई है ना, कि कल्चरल कोऑपरेशन को लेकर पीपल टू पीपल जो हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग बन जाएगी, एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी. क्लियर, वो आधार था कल्चरल कोऑपरेशन, मतलब बैकग्राउंड की बात की गई दोनों देशों के बीच में, दोनों देशों की हिस्ट्री की बात की जा रही है.
ठीक, यहां पे लिखा द टू प्राइम मिनिस्टर्स एग्रीड टू ज्वाइन एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट एंड प्रमोट अ रूल बेस्ड मल्टीलेटरल सिस्टम. ठीक है, दिस इंक्लूड स्ट्रॉन्ग मल्टीलेटरल कॉपरेशन टू फेस द अर्जेंसी टू स्टेप अप द ग्लोबल एफर्ट्स. अरे कौन से ग्लोबल एफर्ट्स? वो रहेंगे आपके चैलेंजेस ऑन द एनर्जी एंड द क्लाइमेट चेंज. बार बार सिर्फ एक ही चीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाएगा यहां पे, क्लीन एनर्जी एंड ग्रीन एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी प्रोड्यूस की जाए जिसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सबसे कम रहेगा. तभी तो हम लोग जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको उसको मतलब कंसेप्ट है कि जो पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत हमने लिखा है, बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो कम करना है वो हम लोग टारगेट अचीव कर पाएंगे. तभी तो लिखा क्लाइमेट चेंज एंड कॉमन कमिटमेंट टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, the International Renewable Energy Agency and the International Solar Alliance. Important है, याद रखें इसी तरीके का डाटा important रहेगा mains perspective में. Clear? आगे लिखते हैं कि first time Prime Minister of India visited Denmark in the 1957 and laid the foundation for a friendly relationship between the India and the Denmark. कि भारत की तरफ से सबसे पहले 1957 में विजिट किया गया था डेनमार्क में, और तभी हमने नींव पत्थर रख दिया था दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंधों का. क्लियर? और लिखा द बायलेटरल रिलेशंस, की दोनों तरफ से जो रिलेशंस हैं बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क आर कॉर्डियल एंड फ्रेंडली बेस्ड ऑन. अरे किसके ऊपर जो हमने बोल दिया फ्रेंडली? वो आधार रहा आपका साइनर्जीज इन द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एकेडमिक एंड रिसर्च फील्ड्स. क्लियर? नेक्स्ट आया यहां पे कि देयर हैव बीन पीरियोडिक हाई लेवल विजिट्स बिटवीन द टू कंट्रीज. कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? मैं अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं, बट आपको एक अनाउंसमेंट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स, कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर डालें. और अभी मैंने एक कमेंट को भी कम अक्रॉस किया है कि कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो गया है क्या, तो इसके ऊपर अभी मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा. बट आप लोग अपने स्टडीज के ऊपर फोकस कीजिएगा. अगर पोस्टपोन भी होता है तो आपका बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम और मिल जाएगा अपने प्रेपरेशन को और मजबूत करने के लिए. क्लियर है ना? बस आप लोग मेरे साथ बने रहें. क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है measuring the Mount Everest, और ये आपके लिए important है GS paper 1 and the GS paper 2 के लिए. clear? तो शुरू करूं, यहां पे news आती है कि China and Nepal are soon expected to announce the Mount Everest latest official height. clear? even लिखा कि in 2019 बोथ द कंट्रीज, चाइना और नेपाल ने एग्री किया था टू री मेजर द एलिवेशन ऑफ वर्ल्ड हाइएस्ट माउंटेन एंड अनाउंस द फाइंडिंग्स टूगेदर. क्लियर? नेक्स्ट आता है यहां पे कि जो माउंट एवरेस्ट है, मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, एक सेकेंड यहीं पे लिख देते हैं. नेपाल के अंदर आप लोग माउंट एवरेस्ट को बोलते हो सागरमाथा, एंड चाइना के अंदर हम लोग माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते हैं? कोमोलांगमा. क्लियर है? ओके. तो यहां पे लिखा माउंट एवरेस्ट ऑल्सो कॉल्ड एज सागरमाथा इन नेपाल इज द अर्थ हाईएस्ट माउंटेन अबव द सी लेवल. बिल्कुल ठीक है. लोकेटेड इन द हिमालयाज बिटवीन द चाइना एंड द नेपाल विद देयर बॉर्डर रनिंग अक्रॉस इट्स समिट पॉइंट. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि है तो सिर्फ बेसिक ही है आपका. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. अब क्या चीज है यहां पे, पिक्चर जो मैंने आपको दिखाई है पुरानी हाइट के अंतर्गत यहां पे बोला गया कि 29,028 फीट की माउंट एवरेस्ट की हाइट है, बट जो नया डाटा आया वहां पे लिखा गया कि 29,032 फीट
स्टूडेंट्स ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ गया 4 feet. अब एक कंसेप्ट याद रखिएगा, 4 feet बड़ा. मैं आपको एक चीज यहां पे बोलना चाहूंगा कि अगर 4 feet भी हाइट इंक्रीज करी, क्यों कर गई, इसका मतलब ये हमारे पास एक प्रूफ हो गया कि जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है स्टिल इन प्रोसेस है. अरे कंसेप्ट हमने यही पढ़ा था, पढ़ा हुआ है कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स माउंटेन्स आए हमारे पास, हिमालय आए, और ये अगर मूवमेंट में आज भी हैं तभी तो हमारे पास आज इसकी हाइट और इंक्रीज करती है. क्लियर है? तो यहां पे लिखा गया कि इट्स करंट ऑफिशियल एलिवेशन इज 8848 meters, विच प्लेस इट्स मोर देन 200 meters अबव द वर्ल्ड्स सेकेंड हाईएस्ट माउंट केटू. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर सबसे पहली वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है वो है माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8848 meters, और अगर बात की जाए नेक्स्ट सेकेंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट पीक वर्ल्ड की वो है माउंट केटू, जिसको आप लोग गॉडविन ऑस्टिन भी बोल देते हो और थर्ड नेम कैगेर भी बोल देते हो. माउंट केटू की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जो दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट रही 8611 meters, जो आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिल जाएगी. यहां पे लिखा कि जो माउंट एवरेस्ट है गेट्स इट्स इंग्लिश नेम फ्रॉम द सर जॉर्ज एवरेस्ट. इंपॉर्टेंट, माउंट एवरेस्ट को अपना नाम मिला था सर जॉर्ज एवरेस्ट से, अ कॉलोनियल एरा ज्योग्राफर हु सर्वड एज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इन द मिड 19th century. ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम पर्सपेक्टिव से. क्लियर? इवन लिखा कि इट वॉज द फर्स्ट स्केल्ड इन 1953, कि माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले कब मेजर किया गया था 1953 में, किसके द्वारा, बाय द इंडियन नेपालीस तेंजिंग नॉर्गे एंड न्यूजीलैंडर एडमंड हिलरी. इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, अगेन प्रीलिम पर्सपेक्टिव से ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी कि 1953 में सबसे पहले हमने इसको मेजर किया था बाय द इंडियन नेपालीस नेपालीज तेंजिंग नॉर्गे एंड न्यूजीलैंडर एडमंड हिलरी. क्लियर? ये चीज आप लोग थोड़ा सा फोकस करके रखेगी. आगे बढ़ते हैं. तो क्या कंसेप्ट है, 1856 में ब्रिटिशर्स ने मेजर किया 29,002 feet की हाइट है. क्लियर? 1954 में 29,028 feet, 1992 में इटली के द्वारा मेजर किया गया 29,022 feet, एंड 1999 में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा मेजर किया गया 29,035 feet, और 2005 में चाइना के द्वारा बोला गया कि इसकी हाइट है 29,017 feet. और अब हमें जो डाटा निकल के आया 2020 में, नेपाल और चाइना ने फिर से, अभी हमारी न्यूज यही है ना कि रीमेजर करना है माउंट एवरेस्ट की हाइट को, तो आंसर निकल के आया 29,032 feet की हाइट है माउंट एवरेस्ट की. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आगे बढ़े तो देखते हैं यहां पे क्या बोला गया. सबसे पहले फर्स्ट एफर्ट, मैं इसको प्रीलिम से नोट करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखें. कुछ न्यूज ऐसी रहती है कि उसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है, और उनमें से आपकी ये है री मेजरिंग द माउंट एवरेस्ट. ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. लिखा कि सबसे पहला एफर्ट लगाया गया था 1847 में बाय द टीम लीड बाय द एंड्रयू वॉक, वो है सर्वे जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी हमने यहां पे फोकस किया था यहां पे कि सर जॉर्ज एवरेस्ट थे जो सर्वे जनरल ऑफ इंडिया के इन द मिड 19th century. तो यहां पे लिखा है कि 1847 में एंड्रयू वॉक. क्लियर? आगे चलते हैं. लिखा द सर्वे वॉज बेस्ड ऑन, अब एक सर्वे रहता है ना जो, वो किसके आधार पर किया गया,
वो था ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशंस के द्वारा, याद रखिएगा, एंड इज नोन एज द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया. क्लियर? तो इट में ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके आधार पे है और ये कहां पे यूज की जाती है और कहां पे यूज की गई थी. क्लियर? लिखा जो टीम गई थी जिसको लीड किया गया था एंड्रयू वॉक के द्वारा 1847 में, उन्होंने डिस्कवर किया कि दैट पीक 15 एज द माउंट एवरेस्ट वॉज रेफर टू देन वॉज द हाइएस्ट माउंटेन. उस समय में पीक 15 का दर्जा दिया गया था माउंट एवरेस्ट को, कॉन्ट्रेरी टू द देन प्रिवेलिंग बिलीफ दैट माउंट कंचनजंगा की हाइट कितनी आ रही है 8582 मीटर्स एंड थर्ड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड नाउ वॉज द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे लिखा कि जो आपका एवरेस्ट है, करंट ऑफिशियल हाइट हैज बीन वाइडली एक्सेप्टेड सिंस 1956 when the figure was measured by the survey of india. clear? to widely accepted since 1956 jo measure kiya gaya tha bharatiya survey ke dwara. however the height of a summit changes due to the tectonic activity. abhi humne dekha ki tectonic activity kya cheez rehti hai, like the 2015 nepal earthquake. to students main aapko agar ek quick इंट्रोडक्शन दू तो व्हाट डू यू मीन बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी, तो आप लोग इसको एक क्विक डेफिनेशन के रूप में देख लीजिएगा और मैं वैसे इसको एज्यूम करके चलूंगा कि आपको बहुत अच्छे ढंग से पता होगा टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी क्या चीज है, बट फिर भी हम लोग एक क्विक इंट्रोडक्शन दे लेते हैं. पहला क्या रहता है कि अगर कोई भी अर्थ प्लेट, अगर कोई भी लिथोस्फेरिक प्लेट अगर मैं बोल दूं एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, टकरा सकते हैं, तो वी कॉल दिस एज अ कन्वर्जेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री. सेकंड रहता है अगर कोई भी हमारे पास लिथोस्फेरिक है प्लेट, आइदर वो कॉन्टिनेंट हो आइदर वो ओशियनिक हो, अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, अपार्ट जा रहे हैं, देन वी कम अक्रॉस द डाइवर्जेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री. और थर्ड रहता है मेरे पास इस तरीके से, ना तो ये एक दूसरे से दूर गए और ना तो ये एक दूसरे के पास आए, जस्ट स्लाइड करके चले गए, देन वी कम अक्रॉस द ट्रांसफॉर्म टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री. याद रखें जो आपको अर्थ पे माउंटेन्स, जो आपको वॉल्केनोस, अर्थक्वेक्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी का ही रिजल्ट रहते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे बढ़ते हैं. यहां पे आगे फोकस किया जाए तो लिखा गया कि इट मेजर्स ओवर द डिकेड्स हैज अ डिपेंडेंट ऑन हु वॉज सर्वेइंग. Previous measurements of the mountain were by the Indian, American and the European surveyors. आज तक मतलब भारतीय, अमेरिकन और यूरोपियन सर्वेयर्स ने ही मेजर किया है. क्लियर है? आगे लिखा गया कि द ज्वाइंट एफर्ट्स रिप्रेजेंट नेशनल प्राइड फॉर द नेपाल विच कम अप विद ओन फाइंडिंग्स ऑन द हाइट्स. क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं. तो यहां पे क्या लिखा गया कि चाइना एंड नेपाल हैव रिसेंटली रीमेजर्ड द माउंट एवरेस्ट एंड फाउंड इट टू बी द 86 सेंटीमीटर टॉलर. कंसेप्ट है कि अब 86 सेंटीमीटर की हाइट हमें बड़ी हुई दिखी है, देन इट्स ग्लोबली एक्सेप्टेड हाइट ऑफ 8846 मीटर्स. सो फार द सर्वे ऑफ इंडिया 1954 मेजर्स 8848 मीटर्स ऑफ हाइट हैज बीन ग्लोबली एक्सेप्टेड हाइट ऑफ द पीक. इंपॉर्टेंट है ये डाटा. तो रिजल्ट निकल के कितना आया स्टूडेंट्स? 86 सेंटीमीटर की हाइट. कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं. यहां पे सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में दिखा गया है कि इट इज द नेशनल सर्वे एंड द मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंट्री. अब किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड द टेक्नोलॉजी.
और इसको गठित कब किया गया था, 1767 में. इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1767 एंड इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अगेन प्रिलिम परस्पेक्टिव से ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, क्लियर. और इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा आपको देहरादून में, जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है, क्लियर. इवन लिखा गया इट एक्ट एज एन, अब ये क्या एक्ट करता है, एक एडवाइजर एक्ट भारतीय सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए ऑन ऑल द सर्वे मैटर्स, जिसके अंतर्गत आता है जियोडेसी, फोटोग्रामेट्री, मैपिंग एंड द मैप रिप्रोडक्शन के आधार पर. अब व्हाट डू यू मीन बाय जियोडेसी, कहते इज द साइंस ऑफ एक्यूरेसी, कंसेप्ट है एक एक्यूरेसी के आधार पर जो मेजर किया जाता है अंडरस्टैंडिंग द अर्थ ज्योमेट्रिक शेप, ओरिएंटेशन इन द स्पेस एंड द ग्रेविटी फील्ड. क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फोटोग्रामेट्री, यहां पे लिखा कि फोटोग्रामेट्री क्या चीज है, इज द साइंस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम द फोटोग्राफ्स, कि हम लोग जो फोटोग्राफ से मेजर करते हैं उसको बोला गया फोटोग्रामेट्री. क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहां पे, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ओके अब यहां पे हिमालयस के बारे में देख लेते हैं. जो आपका हिमालय है उसका ओरिजिन, तो लिखा गया कि नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट रिजल्टेड इन द कॉलिजन विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट ड्यू टू विच सेडिमेंट रॉक्स विच वर एक्यूमुलेट इन द जियोसिंक्लाइन नोन एज टिथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन्स. कंसेप्ट क्या है यहां पे आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए. यहां पे अंगारा लैंड था जिसको नॉर्थ अमेरिकन प्लेट बोल दिया गया था, और हमारे पास था एक यूरोएशियन प्लेट, और यहां से आपका भारतीय प्लेट जिसको आपने बोल दिया था इंडियाना प्लेट साउथवर्ड से शिफ्ट करके आ रही थी नॉर्थवर्ड की तरफ. और इसी के बीच में स्टूडेंट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको यहां पे मिल गई थी टेथेसी, यहां पे आपको टेथेसी मिली थी. और जब ये कॉलिजन हुआ था जो जियोसिंक्लाइन के बीच में जो सेडिमेंट्स भर गए थे, तो आपको वो उभर के मिल गए थे माउंटेन्स के रूप में, जिसको आपने बोल दिया था हिमालयास. क्लियर है, सो दिस इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कंसेप्ट स्टूडेंट्स. अगर नहीं पता तो नोट कर लो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एक्सप्लेन मैनर में बताया गया कि हाउ हिमालयाज आर फॉर्म्ड. क्लियर, आगे लिखा कि हिमालयाज आर जियोलॉजिकल यंग स्ट्रक्चरली फोल्डेड माउंटेन्स हैं और रिप्रेजेंट करते हैं लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड. इवन इसका डिस्टेंस कितना है, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर भारत के ईस्ट मोस्ट स्टेट राज्य को अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर, और कितनी विड्थ रहती है 400 किलोमीटर इन कश्मीर 1 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. यानी कि कश्मीर की साइड पे आपको हिमालयस की विड्थ ज्यादा मिल जाएगी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हाइट कम होती जाती है. क्लियर, ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, लिखा गया कि द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दीज रेंजेस इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट. हालांकि ये बेस है, आपने पढ़ा हुआ है, मैं ज़ूम कर लूंगा इस यहां पे. हिमालयस इन द दार्जिलिंग एंड द सिक्किम लाइज इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. अरुणाचल प्रदेश में आपको साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे. इवन नागालैंड में, मणिपुर, मिजोरम में, मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे आपको. क्लियर, अब आपकी जो हिमालयस है तीन पैरेलल रेंजेस हैं, एक को बोला गया द ग्रेट हिमालयस, उसके नीचे लेसर हिमालयस, फिर उसके नीचे शिवालिक्स आते हैं. लिखा गया कि जो आपके ग्रेट हिमालयस हैं आप उसको हिमाद्री भी बोलते हो. इंपॉर्टेंट है जी ये चीज, हालांकि आपको ये एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया ढंग से भी मिल जाएगा. लिखा गया कि जो आपका हिमाद्री है जिसको आप ग्रेट हिमालय बोलते हो नॉर्थ मोस्ट है, और कितनी हाइट मिलती है 6000 मीटर की, और यहीं पे तो आपका माउंट एवरेस्ट लोकेट है. और फिर आता है हिमाचल, मोस्ट रग्ड है,
और ऑल्टीट्यूड रहेगा 3700 मीटर से 4500 मीटर तक, और यहां पे आपको हिल्स मिल जाएंगे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू वैली के, क्लियर। और मैंने जैसा कि बताया आपको शिवालिक्स सदर्न मोस्ट रेंज इसको बोला जाता है, उसकी हाइट रहती है 900 मीटर से 1100 मीटर, क्लियर है। और कंपोज करते हैं अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स को, इवन दीज आर द लार्ज स्केल रीजनल वेरिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ अलाइनमेंट ऑफ द रेंजेस जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। हिमालय कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब डिविजन्स, वो हैं आपके कश्मीर जो आप लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट हिमालयस, फिर हिमाचल उत्तराखंड उत्तरांचल के, दार्जिलिंग सिक्किम के, अरुणाचल के एंड ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स के, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलते हैं आगे, हमारी आज की नेक्स्ट न्यूज और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंप ऑन इंडिया फर्स्ट एंटी सेटेलाइट मिसाइल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 के लिए स्टूडेंट्स, क्लियर। शुरू करें, तो देखें आप लोग, लिखा कि अ कस्टमाइज्ड माई स्टैंप ऑन इंडियाज फर्स्ट एंटी सेटेलाइट मिसाइल लॉन्च्ड वॉज रिलीज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ इंजीनियरिंग डे। स्टैंप लॉन्च की गई है इंडियाज फर्स्ट एंटी सेटेलाइट मिसाइल के ऊपर, जो रिलीज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, कौन से डे पे, इंजीनियर्स डे पे, क्लियर है। लिखा गया कि इट इज द ब्रांड नेम फॉर द पर्सनलाइज्ड शीट्स ऑफ पोस्टेज स्टैंप ऑफ इंडियन पोस्ट। माय स्टैंप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फाइलेटेक एग्जीबिशन इंडिपेक्स 2011। अब कस्टमाइज्ड माय स्टैंप क्या चीज है, इज अ पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैंप्स वेयर इन द कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन कैन गेट देयर कस्टमाइज्ड शीट्स प्रिंटेड फ्रॉम द इंडियन पोस्ट। सो दिस इज योर कस्टमाइज्ड माय स्टैंप, क्लियर। इवन लिखा गया कि इट इज एन इंटरसेप्टर मिसाइल दैट डिस्ट्रॉय और जाम सेटेलाइट्स इन द स्पेस। अब अगर थोड़ा सा एंटी सेटेलाइट मिसाइल के ऊपर फोकस किया जाए, तो ये एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च की जा सकती है और सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, क्लियर है। ये है आपका मिशन शक्ति, मैंने यहां पे दो कटिंग्स को लगाया, तो पढ़ लो थोड़ा सा। एक तो DRDO के द्वारा किया गया था ये सारा कुछ। सैटेलाइट वॉज एट हाइट ऑफ 300 किलोमीटर, वॉज ट्रैक्ड विद सेंसर्स दैट कंफर्म द किल। लिखा गया कि DRDO हैड कैपेबिलिटी टू डेवलप सिस्टम इन द 2012, मेड presentations but was not given go ahead, clear है। यहां पर लिखा preparation started in 2016, test carried out in 2017 and in February this year। अब अगर बात करें space power की, तो देखिए under the mission शक्ति, my dear students, mission शक्ति important रहेगा क्योंकि हमारे इस news के अंतर्गत mission शक्ति का काफी जिक्र हुआ है। under the mission शक्ति क्या हुआ था, DRDO ने टेस्ट फायर किया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल का, वो है ASAT इज अ मॉडिफाइड इंटरसेप्टर मिसाइल, एक बेलास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यहां पे लिखा कि द मिशन वॉज कंप्लीट इन 3 मिनट्स, और अभी तक का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया और चाइना ने ये टेस्ट को कैरी किया है। USA, रशिया और चाइना, मतलब भारत अब 4th रैंक पे आ चुका है, क्लियर। The test was conducted around 11 a.m. और कहां से शुरू किया गया था, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड से लॉन्च किया गया था, और उसको आप लोग जैसे कि जानते हो विल्लर आइलैंड इन ओडिशा में है, क्लियर, नियर द चिलिका लेक्स। अब है क्या, यहां पे देखा जाए तो 2 types ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल जा रही थी आपकी, एक रहती काइनेटिक और एक है नॉन काइनेटिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल। काइनेटिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल के अंतर्गत क्या है कि लाइक बैलिस्टिक मिसाइल फिजिकली स्ट्राइक ऑन ऑब्जेक्ट
इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय इट, उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करेगा जाके। और अगर मैं बात कर लूं नॉन काइनेटिक एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स के लिए, यहां पे लिखा अ वैरायटी ऑफ नॉन फिजिकल मीन कैन बी यूज्ड टू डिसेबल और डिस्ट्रॉय अ स्पेस ऑब्जेक्ट, दीज इंक्लूड फ्रीक्वेंसी जैमिंग। अरे ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, ये सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी को जाम कर देगी। ब्लाइंडिंग लेजर्स और साइबर अटैक्स, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पे और लिखा गया कि जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था भारत की सबसे पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल को, जो नाम रखा गया था मिशन शक्ति। प्रिलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मिशन शक्ति को लेकर हमने काफी डिटेल स्टडी भी किया है, यहां पे आपको दो पिक्चर्स भी मैंने यूज किए हैं, और ये प्रिलिम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी रहता है, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट डाउन करके रखें। आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा कि इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन द ओडिशा ऑन 27 मार्च 2019। कहां से? वुल्डर आइलैंड जिसको आप लोग, सॉरी विल्डर आइलैंड जिसको आप लोग बोलते हो, नियर द चिलिका लेक्स। इवन द इंटरसेप्टर मिसाइल वॉज अ 3-stage मिसाइल विद द 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स, क्लियर? आगे फर्दर पढ़ते हैं। यहां पर आपका ये चीज क्या रखी है, यहां पर फोकस कीजिए। लिखा गया 3-stage इंटरसेप्टर जो अभी हमने देख लिया था, कहते इंडिया हैज द बिल्ड ब्लॉक फॉर एंटी सैटेलाइट मिसाइल कैपेसिटी थ्रू अ स्पिन ऑफ फ्रॉम 5000 किलोमीटर प्लस अग्नि 5 स्ट्रेटेजिक मिसाइल, क्लियर? यहां पे अगर मैं पढ़ू कैन स्ट्राइक अप टू द 1000 किलोमीटर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हिट अ सैटेलाइट बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेलोसिटी एंड स्मॉल साइज। कहते इंडिया कैन नाउ डिसरप्ट अ कंट्री सर्विलेंस कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन कैपेबिलिटीज रेंडरिंग एनिमी फोर्स डेफ एंड ब्लाइंड ऑन द बैटल फील्ड, क्लियर? इवन लिखा कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल विल ऑल्सो बूस्ट इंडिया एबिलिटी टू टैकल हाई ऑल्टीट्यूड इनकमिंग मिसाइल्स, करेक्ट? वाइल इंडिया टेस्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल एट लेस देन 300 किलोमीटर्स, DRDO साइंटिस्ट से इट कैन हिट अप टू 1000 किलोमीटर्स। हालांकि हमने टेस्ट फायर किया सिर्फ 300 किलोमीटर्स का, बट ये DRDO के साइंटिस्ट का दावा है ये कि ये 1000 किलोमीटर्स तक डिस्ट्रॉय कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगा, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि जो सेटेलाइट्स होती हैं कुछ लो अर्थ ऑर्बिट पे रखी जाती हैं, वो धरती से 160 से 2000 किलोमीटर तक के हाइट पे रहते हैं। फिर आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो 2000 से 35000 किलोमीटर होता है। फिर आता है एक हाई अर्थ ऑर्बिट जो 35000 किलोमीटर प्लस पे घूमती हैं। क्लियर है यहां तक? ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्रिलिम पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ते हैं। यहां पर आगे लिखा गया है नेक्स्ट में कि द एंटायर एफर्ट वॉज इंडिजीनियसली which demonstrated the nation's capability to develop such complex and the critical missile, clear? With this success, अब इस जो हमें success मिला, भारत fourth nation बन गया after USA, China, Russia, इन सभी देशों ने अभी तक का anti-satellite missile को develop किया, उसको test किया और success भी रहे। अब भारत चौथा स्थान प्राप्त कर चुका है, clear है? To in the world to possess such capabilities, clear? Likha next, with the establishment of India as a space power, India will be accorded a place in any future international treaty that relates to the governance or usage of the space. In case of Pakistan, a terrestrial power, the use of nuclear arsenal can now come at a heavy cost. As of now, Pakistan presume that the no first use doctrine of India give it an advantage, but with development of anti-satellite capabilities, India would be capable to destroy an incoming Pakistan nuclear missile. तो ये पाकिस्तान का बोलना था। In case of China, which is a significant space power, counter space capabilities of India will provide a critical balancing deterrence. Clear students? तो आज का सेशन में मैं यहीं तक एंड करता हूं, और किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखकर बताएं। और हम लोग इसी तरीके से स्टूडेंट्स हर मंथ के हर एक न्यूज को वेल डिटेल स्टडी करते जाएंगे, क्लियर है? और मैं आशा करूंगा कि ये वाला सेशन भी आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप लोग बस
इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और व्यू करें। और किसी को कोई भी डाउट रहेगा ना तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर लिखें, ताकि नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके डाउट्स को दूर कर सकूं। और एक और अनाउंसमेंट, अगर बात करें पीडीएफ की, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर इसको लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप लोग अपना पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।